खबरां दी करांगे शुरुआत और गल सब तो पहला विधानसभा चोणां दी जिस नूं लैके पंजाब दे विच चोण मुलतवी करन दी मंग जिहड़ी है तेज हो चुकी है। श्री गुरु रविदास जयंती के मद्देनजर चोणां मुलतवी करन दी मंग कीती गई है। मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी तो बाद हुण भाजपा ने भी चोण कमिशन नूं इस बाबत चिट्ठी लिख दित्ती है ते अज जलंधर हाईवे जाम कर सकते ने वाल्मीकि भाईचारे दे लोक। सवेरे 10 बजे तो शाम 4 बजे तक दिता जाएगा धरना। चोणां मुलतवी करन दी गल जिहड़ी कही जा रही है कि एक खास दिन है, खास मौका है और इस दिन ध्यान दे विच रखदिया होया चोणां नूं मुलतवी करना चाहिए है। कुछ देर दे लई पहला मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने चोणां मुलतवी करन दी गल आखी सी जिस तों बाद भाजपा ने भी एक चिट्ठी लिख के चोण कमिशन नूं मंग कीती है कि बहुत सारे समाज के लोग ने जयंती नूं मनाउण दे लई दूजे सूबिआं दे विच जांदे ने इस गल्लां नूं ध्यान दे विच रखदिआं होइआं फैसला लै लैणा चाहीदा है। पंजाब दे जिहड़े लोग ने ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟ ਹੈ ਪੋਲਿੰਗ ਦੀ, ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ, ਉਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਭ ਵੀ ਮਨਾ ਸਕਣ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾ ਸਕਣ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾ ਸਕਣ। ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸੇ ਬਾਬਤ ਹੀ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਨਮੋਲ ਗੁਲਾਟੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦਰੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਨਮੋਲ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਵ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके दे नाल 16 तरीक नूं रविदास जयंती दे चलदे होए काफ़ी जिहड़े श्रद्धालु होणगे उह नतमस्तक होण पहुँचणगे, जिहदे करके किते ना किते एक रिक्वेस्ट जिहड़ी की है उह तमाम जिहड़ी सियासी पार्टियां उहनां वल्लों कीती जा रही है कि चोणां नूं जिहड़ा कि मुलतवी कर लिता जावे। पहलां चिट्ठी जिहड़ी की है पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी होरां वल्लों लिखी जांदी है, उस तों बाद भाजपा वल्लों चिट्ठी लिखी जांदी है ते नाल दे नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों भी यही रिक्वेस्ट जिहड़ी की जाती है इलैक्शन कमीशन नूं कि जिहड़ी 14 तरीक की विधानसभा चोण है उन्होंने मुलतवी किया जाए। हालांकि इलैक्शन कमीशन वालों हजे तक इस चीज़ के उत्ते किसी भी तरीके का जवाब जिहड़ा कि वह नहीं आया, जिहदे लई साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चोणां नूं मुलतवी करना भी अपने आप दे विच एक वड्डा चैलेंज होएगा, क्योंकि इलैक्शन कमीशन वालों तमाम जिहड़ी तैयारियां ने वह मुकम्मल तरीके दे नाल कर लईआं गईआं ने। पंजाब दे विच टीम्स जिहड़ी कि बहुत पहला तो आ चुकियां ने, जिहदे करके कहा जाए कि तैयारियां दे विच काफ़ी कुछ फेरबदल करने पै सकते हैं जेकर चोणां नूं मुलतवी किया जाता है। लेकिन उत्थे किते ना किते सियासी जिहड़ी पार्टियां उन्हां वल्लों लोकां दे हक दे विच आवाज़ जरूर चक्की जा रही है कि जिहड़े रविदास जयंती दे चलते जिहड़े श्रद्धालु जिहड़े भी लोग नतमस्तक होण पहुँचणगे वह अपने जिहड़ा राइट टू वोट है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिहड़ा डेमोक्रेसी का सब तो वड्डा त्यौहार मन्निया जा सकता है इलैक्शनस, उन इलैक्शनस दे विच अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ते जिहदे करके कहा जा रहा है कि चोणां नूं मुलतवी कीता जावे ताकि जिहड़े श्रद्धालु नतमस्तक होण पहुँचणगे वह भी अपने वोट का इस्तेमाल करके अपनी सरकार जिहड़ी की है वह चुन सकण। हालांकि किसी भी तरीके का जवाब जिहड़ा कि हजे तक इलैक्शन कमीशन वालों नहीं दिता गया इस चीज़ के उत्ते, क्योंकि कोई बैठक जिहड़ी की नहीं रिक्वेस्ट ही गई है किसी भी तरीके का जवाब, कोई लिखती जवाब या कोई स्टेटमेंट जिहड़ी की है हजे तक इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वालों रिलीज़ नहीं की गई।
जी बिल्कुल अनमोल, हाले कोई भी इलेक्शन कमीशन दे वलो कोई जवाब नहीं दिता गया। सुनील थोड़े को जानकारी लेना चाहवांगे, अज क्योंकि जलंधर दे विच हाईवे जाम कीता जा सकता है, वाल्मीकि समाज दे जड़े लोक ने वह हाईवे जाम करनगे, आखिरकार क्यों हाईवे जाम कर रहे ने, मंग तां रखी गई है और धरना प्रदर्शन जो सुनिया गया है कि 10 तो 4 बजे तक कीता जाएगा, ताजा अपडेट की है जी? एक्चुअली जिहड़ी सारी इस इलेक्शन कमीशन नूं जिहड़ी लैटरां लिखियां गईयां है, 16 तारीख नूं रविदास जयंती है जिसका कि बहुत ही विशाल समागम जलंधर दे विच करवाया जांदा है। जलंधर दे विच नकोदर रोड जिहड़ी कि बिल्कुल जाम कर दित्ती जांदी है और एक हफ्ता पहलां ही इहदियां तैयारियां कीतियां जांदियां ने और इत्थों एक स्पैशल ट्रेन चलाई जांदी है बनारस वास्ते बेगमपुरा एक्सप्रैस, जिहदे विच लखां श्रद्धालु फ्री सेवा दे विच ते अपने मत्था टेकन जांदे ने और उस चीज देखते हुए लगभग अगर देखा जाए तो उस बनारस दे विच करीब 20 लाख करीब श्रद्धालु जिहड़े ने उत्थे मत्था टेकन जांदे ने गुरु रविदास धाम दे विच और उस चीज देखते हुए 14 फरवरी नूं जिहड़ी इलैक्शन कमीशन ने इलैक्शन वोटां कराउण दी तरीक मिथि है उसनूं मुलतवी करन लई हर पार्टी जिहड़ी है लगी हुई है। तुसीं मेरे पिछे देख सकदे हो कि करीब सारी पैरा मिलिट्री फोर्स जिहड़ी इत्थे लग चुकी हुई है क्योंकि रविदास समुदाय वल्लों सवेरे 10 बजे इतने पीएटी चौंक जिहड़ा कि धरना दिता जांदी है, जिहड़ी कॉल दिती गई है सिर्फ इस करके क्योंकि इन्होंने डीसी साहब नूं पिछे मंग पत्र दिता सी और लेकिन इन्हां दी मंग नूं केंद्र ने लाइटरी ला गया लिया गया है ते उस चीज नूं लैके ये हाईवे जाम करनगे। मैं इत्थे दसना चाहांगा कि जिहड़े मेरे सामने तुसीं देख रहे हो पीएपी फ्लाईओवर, जिहड़ा ये फ्लाईओवर अगर ये जाम कर दिता जांदा है ते इस दे नाल जे एंड के जाण वालियां, अमृतसर जाण वालियां, पठानकोट जाण वालियां और अमृतसर तों दिल्ली जाने वाली सारी ट्रैफिक बहुत ही प्रभावित होगी, जनता नूं काफी परेशानी होगी। इहदे च कोई शक नहीं है कि जदों असीं इत्थे गल करिए इलैक्शन कमीशन दी कि जदों वोटां पैंदियां ने बहुत ही प्रॉपर तरीके नाल हर चीज़ नूं ध्यान च रखिया जाना चाहीदा सी लेकिन शायद इस चीज़ दे वास्ते गौर नहीं कीता गया कि भी साढ़े इस पंजाब दे विच गुरु रविदास जिहड़ा जयंती है इह बड़े ही धूमधाम नाल मनाई जांदी श्रद्धा नाल है और इस दे विच 10 बजे इत्थे जथेबंदियां ने आ के जाम लगाना है और अगर उस तों पहलां कोई इलैक्शन कमीशन कोई आंसर आ जांदा है ते शायद इस नूं टालिया जा सकदा है लेकिन अजे तक कोई भी इहो जिही आवाज़ नहीं आई है। जी बिल्कुल सुनील, अज जेकर देखा जाए तो भारी परेशानी जिहड़े जलंधर आने वाले ने लोकी उन्होंने उठानी पै सकती है। चंडीगढ़ तो साडे सहयोगी अनमोल नाल गलबात करना चाहवांगे। अनमोल, जेकर तरीका अगे कर दित्तिया जांदिया ने हो सकता है धार्मिक भावनावां नूं देख के इलैक्शन कमीशन जे कोई वड्डा फैसला लै लैंदा एक हफ्ता अगे चोणां हो जांदियां ने ते किस तरीके का असर देखा जा सकता है क्योंकि काफी नजदीक ने चोणां दी जिहड़ी तारीख है, तैयारियां भी मुकम्मल कीतियां जा रहियां ने, दूजे पासे देखा जावे रैलियां भी नहीं हो रहियां पर असर किस तरह का पवेगा जेकर चोणां लेट हो जांदियां ने? जी बिल्कुल, जिस तरीके नाल जेकर विधानसभा चोणां जिहड़ियां जिहड़ी 14 तारीख दी मुकर्रर कीतियां गईयां ने जेकर वह डिले हुंदियां तां उहदे विच नुकसान जिहड़ा कि साफ तौर ते पोलिटिकल पार्टीज़ दा वी होएगा क्योंकि उन उस डेट नूं लै के जिहड़ी कि तैयारी हर पोलिटिकल पार्टी वल्लों कीती जा रही है, रैलीज़ करन दी परमिशन जिहड़ी कि नहीं दित्ती जा रही, डिजिटल तौर ते जिहड़ी कि कैंपेनिंग कीती जा रही है ते जिस तरीके नाल इलैक्शन कमीशन आफ इंडिया वल्लों जो भी कुछ अपने प्रबंध किए गए वह प्रबंध मुड़ तो दोबारा करने पैण होणगे। हालांकि जेकर डेट अगे वधाई जाती है तो ज़्यादा अगे नहीं वधाई जाऊगी, कुछ ही दिन का जिहड़ा की है गैप दिता जाऊगा लेकिन जिस तरीके तैयारियां की जा रही हैं जिस तरीके पूरे पंजाब इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इस वक्त टीम्स मौजूद है उन्होंने वालों 14 तारीख के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारियां की जा रही, सुरक्षा के प्रबंध किए जा रहे हैं, वो तैयारियों के काफ़ी कुछ फेरबदल करने पड़ेंगे जिदे करके जोड़ा कि इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कानून भी कितना ना कि खामियाजा भुगतना पेगा तो सियासी जी पार्टियां जिन्हों वालों जिड़ी कि अपनी पूरी तैयारी जी कर ली गई है वोट्स के लिए उन्होंने भी कितना कितने दिक्कत का सामना करना पै सकता है। बिल्कुल दिक्कत का सामना करना पै सकता है। फिलहाल इलैक्शन कमीशन के वालों कोई भी गलबात इस बाबत कोई बयान नहीं दिता गया। अनमोल और सुनील जानकारी देने लिए धन्यवाद।